ं भं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं 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 क्विं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रविमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतल श्रीमतिपवित्रलजलेन जिनविश्रमि स्वाहा ओम मृसी ब्र स्वादि वीरंदन जले ओम मृमसी श्री स्वादि वीरंदन जले ओम मृमसी श्री स्वादि वीरंदन जलेषण प्याा तीखे कल सो में जले भर लो रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर लो सोमे जले भर लो रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर लो ओ त्रीम, त्रीम, क्लीम ऐ अरम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं 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 द्रम द्रम द्रीं द्रीं समस्त भवि जीव कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्ह सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः समस्त भवि जीव व्याधिं ग्रन्तो व्याधें ग्रन्तो व्याधें ग्रन्तो ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रौं ह्रा अशि अवशा नमः मम सर्वशान्तिं कौरो कौरो तोष्टिं पौष्टिं कौरो कुरुस् मम कामं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथदि तरणेश्वुरैदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं जगता तु जगतामुत्तमा शान्ति धारा उद्भूत भीषणो दरे भारे भोग्ना शोच्यां दशामुपगता शिवजीविताशा त्वत्पादपा जो मृत देग् देहा मर्त्या भवन्ति मकरद्जतुल्यरूपा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रमानतपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिम् भगवान जिनेन्द्र जीवम जीवम दबम जिनवर वस हेण जेणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शिरसा बोली देवाई देव एक हजार आठ श्री आदिनाथ भगवान की बोली देवाई देव एक हजार आठ मूल नायक अतिश्यकारी श्री पार्सनाथ भगवान की बुलि देवाई देव एक हजार आठ श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवार श्री शांति सागर छाणी महाराज की परम श्रद्धे आचार्य भगवान श्री एक सौ आठ विद्यासागर जी मुनिराज राज की परम पूज्य श्रेष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री एक सौ आठ ज्ञान सागर जी मुनिराज राज के परम पूज्य आचार्य गुरुवार श्री एक सौ आठ जी सागर जी मने राज तीन कम नौ करोड़ राजो की चलते हैं भगवान के चरणों में और सभी भगवान के चरणों में भक्ति के भावों को संजो करके लाए हैं और भगवान की भक्ति से ही मुक्ति का रास्ता मिलता है भगवान की भक्ति अनेक प्रकार की हुआ करती है हम भगवान की भक्ति पूजन के माध्यम से भी कर सकते हैं अभिषेक के माध्यम से शांति धारा के माध्यम से प्रवचन सुनने के माध्यम से स्वाध्याय के माध्यम से भजनों के माध्यम से अनेक प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकते हैं प्रत्येक श्रावक को अपने जीवन में श्रावक के छह आवश्यकों का पालन करना चाहिए देव दर्शन करना चाहिए और देव दर्शन करने के बाद स्वाध्याय में छह ढाला भक्ति में मेरी भावना और अपनी निंदा ग्रहा करने के लिए आलोचना पाठ लघु प्रतिक्रमण जरूर करना हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि माला के दाने 108 क्यों होते हैं क्या किसी के मन में कोई जिज्ञासा है कि माला के दाने 108 ही क्यों होते हैं 109 क्यों नहीं होते 107 क्यों नहीं होते कभी आप लोगों ने ऐसा विचार किया किया? ना कभी किसी से पूछा होगा कि 107 क्यों नहीं होते 109 क्यों नहीं होते आखिर क्या कारण है जो माला के दाने 108 ही होते हैं। और उनके ऊपर तीन दाने और होते हैं तीन मोती और होते हैं वो तीन मोती कृष्ण का प्रतीक है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित वो तीन दाने रत्नात्रय के प्रतीक हैं उसके बाद 108 दाने होते हैं और वो 108 दाने आपको कैसे पता चलेगा कि 108 दाने क्यों होते हैं क्योंकि हम 108 प्रकार से जो बंद करते हैं पापों का वो 108 प्रकार से होता है। 108 प्रकार से पुण्य भी बंद करेंगे तो भी तो जब पुण्य भी बंद हो रहा है और पाप भी बंद हो रहा है तो हम पाप बंद क्यों कर रहे हैं पुण्य का बंद क्यों ना करें पुण्य का बंद करें अच्छे कार्य करेंगे पुण्य का बंद होगा गलत कार्य करेंगे पाप का बंद होगा सच बोलेंगे पुण्य का बंद होगा झूठ बोलेंगे पाप का बंद होगा निंदा करेंगे पाप का बंद होगा प्रशंसा करेंगे पुण्य का बंद होगा दूसरों की तरफ देखेंगे पाप कार्य अपनी तरफ अपने पापों का प्रक्षालन करना अपनी निंदा करना दूसरों की प्रशंसा करना पुण्य कार्य सम्यक दृष्टि जीव दूसरों की प्रशंसा करते हैं अपनी निंदा करते अपने अवगुण देखते हैं और दूसरों के गुण देखते हैं जिनके जिनको दूसरों के अंदर गुण दिखाई दे अपने अंदर अवगुण दिखाई दे सोचना हमने धर्म की सीढ़ी पर पैर रख लिया है हमें सबसे पहले अपने अवगुणों को देखना है अपने अवगुणों की सफाई करनी है और हम क्या कहते हैं हमेशा दूसरों पर उंगली उड़ाते ये तीन उंगली हम पर भी इशारा करती है हमें अपनी तरफ की तीन उंगली दिखाई नहीं देती है लेकिन सामने वाले पर एक कमी भी दिखती है हमारे अंदर की तीन कमियां नहीं दिखती जब हम प्रत्येक दिन आलोचना पाठ पढ़ेंगे हम लोग आलोचना पाठ कैसे पढ़ते हैं कब शुरू होता है और कब समाप्त हो जाता है पता भी नहीं चलता एक आलोचना पाठ पढ़ने में आप पांच मिनट भी लगा सकते हैं एक आलोचना पाठ पढ़ने में आप पचास मिनट भी लगा सकते आपके ऊपर डिपेंड करता है सुनिए जिन अर्ज हमारी हमें दोष की तीन की का जा। तुम लही जीने राजा हमें बहुमान आना चाहिए भगवान के जब तक हमें भगवान से लगन नहीं लगेगी जब तक उनके गुणों से हमें प्रीति नहीं होगी तब तक हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है हम तो सीधा सीधा बोलते चले जाते हैं सुनिए जिन रज हमारी हम दोष की ये अति भारी तिन की अब निर्वृति का जा तुम शरण लही जेने राजा और पढ़ते हुए चले जाते हैं अब एक बार फिर से पढ़िए ऐसा समझना कि हम तीन लोग के नाथ के चरणों में अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं और साक्षात मेरे प्रभु हमारे सामने है मैं प्रभु के चरणों में हम और चरणों में निवेदन कर रहा हूं सुनिए जी ने अर्जे हमारी हम किए अति भारी भगवान मेरी अरज को सुन लीजिए मैंने बहुत सारे दोष किए हैं अब इन दोषों को दूर कीजिए अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं भगवान एक चौ इंद्रिवा मन रहित सहित जे जीवा तीन की नहीं करुणा धारी निर्दय हो घाते विचारे हे भगवान मैंने एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चौ इंद्री पांच इंद्री संगी असंगी ना जाने कितने जीवों को कष्ट पहुंचाया उनके ऊपर मुझे करुणा नहीं आई मैंने रसोई में कार्य किया जल का उपयोग किया कितने जीवों की हिंसा हुई एक बूंद में वैज्ञानिक की दृष्टि से कितने जीव बताए छत्तीस हजार चार सौ पचास जीव बतलाये हैं और हमारे आचार्यों ने तो संख्या जीव बतला जब एक बूंद में छत्तीस हजार चार सौ पचास जीव हैं तो आपने कितना अंशना जल बहाया और जब आप स्नान घर में गई और आपने वहां फवारा खोल दिया गर्मी थी तो उस फारे के अंदर नल के अंदर कहां एक बूंद में 36450 चा, चा, जीव होते हैं हमारी तो कोई काउंटिंग ही नहीं जब सर्दी आई तो हमने गीजर खोल दिया और गीजर में छान के जल जाता है या बिना छना जल बिना छना जल जितना भी गरम हुआ कितने सारे जीवों का घात कर दिया गर्म करने में घात हुआ और फिर उस गर्म जल में ठंडा जल मिला दिया कितने जीवों का घात किया हम रसोई में कार्य कर रहे थे कोई बर्तन हमारा गरम था हमने उसमें ठंडा जल डाल दिया कोई सब्जी कोई फल हम गरम पानी से गरम जल से धो रहे थे हमने वो गरम जल सिंक में डाल दिया हमने चावल का माड़ उबलता हुआ पानी सिंक में डाल दिया कितने सारे जीव वहां बिल बिला रहे होंगे क्या कभी हमने सोचा नहीं सोचा एक बार विचार करते विवेक से कार्य करते तभी तो श्रावक किसको कहा श्रावक उसको कहा है जो श्रद्धावान हो विवेकवान हो क्रियावान हो श्रावक श्रा वा माने श्रद्धावान वामाने, माने विवेकवान और का माने क्रियावान जब श्रावक विवेकवान होगा जब श्रावक श्रद्धावान होगा विवेकवान होगा क्रियावान होगा तो बहुत सारे पापों से बच जाएगा हम जिस जल को जिस गरम चीज को हमने सिंक में डायरेक्ट डाला अगर उसको हम ठंडा करके डालते तो यह हमारा विवेक होता हमारे अंदर जीव रक्षा का भाव होता तो हम पानी छान करके यूज करते हम नलों में छन्ना लगा सकते हैं उस छन्ने उस छन्ने की जीवाणी कर सकते हैं जब हमारा कार्य हो जाए तो हम उसकी बाद में जीवाणी भी कर सकते हैं हम हमने जब छन्ने का उपयोग किया तब हमारा भाव जीव रक्षा का था या मारने का था कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर जीव मर जाते हैं। अरे हमारे अंदर विवेक होना चाहिए जब हम थैली का छन्ने का उपयोग करते हैं हमारा काम हो जाए हम उसकी विलछानी कर दें जीवाणी कर दें यह हमारे अंदर विवेक होना अति आवश्यक है हम छोटे छोटे पाप कितने करते सारे करते हैं बहुत सारे करते तो वो पाप कैसे होते हैं समरंभ समारंभ आरंभ ने प्रारंभ कृतकार करके क्रोध आदि चतुष्ट धर के सत्यू ने सौ इसमें लिखाया